खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ये बुलेटिन खास इसीलिए है क्योंकि इसमें हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर आपसे रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की हो, चाहे वो खेल की खबर हो, क्राइम की खबर हो या फिर कोई और खबर, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे हम चर्चा भी करेंगे। साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास। लगातार हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ये चार रिपोर्टर्स। अरविंद पालावत राजस्थान से हमारे संवाददाता है, बिहार से रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष है, लखनऊ से अगर हम बात करें तो पंकज चतुर्वेदी है, और मध्य प्रदेश से शरद व्यास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे मैं रुक करूंगी मध्य प्रदेश का। शरद, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं आज मध्य प्रदेश की, क्या लगता है कि किस पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी आज हमारी? देखिए, मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल जो सबसे ज्यादा अभी नजर बनाने वाली बात है तो वो है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरएसएस कार्यालय, जो संविदा कहा जाता है मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, तो संविदा पे वो गए थे भोपाल में, और उसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की, ये विषय भी उसमें संभवतः चर्चा में रहा है, और इसको लेकर अब कवायद तेज होती चली जा रही। माना जा रहा है कि 17 तारीख के बाद जो 4.0 शुरू होगा लॉकडाउन का, उस दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। उपचुनाव को लेकर भी अब तैयारियां शुरू हो चुकी है, लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया है, और बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ही अपने अपने स्तर पर बैठकों के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। लेकिन इस बीच चूंकि कोरोना वायरस काफी गंभीर स्थिति में है, इसलिए इसकी देखभाल के लिए खास तौर पर व्यवस्था की जा रही है। कोर टीम बनाई गई है और कोर टीम के माध्यम से पूरी इन व्यवस्थाओं के ऊपर निगरानी मध्य प्रदेश शासन की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलनाथ सरकार के समय किए गए जितने भी ट्रांसफर्स थे, जितने भी निर्णय लिए गए थे, इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है मध्य प्रदेश सरकार ने, और इस समिति में तुलसी सिलावट है, नरोत्तम मिश्रा है और कमल पटेल है। तीनों इस तमाम जितने भी ट्रांसफर्स हुए उनके ऊपर जांच करेंगे, और जांच करने के बाद यदि उसमें कोई भी गंभीरता पाई जाती तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई करने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। इसके अलावा चूंकि गुना में एक हादसा हुआ है, महाराष्ट्र से आते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही थी एक बस जिसके अंदर तमाम यात्री समाप्त थे, तो इसमें 50 लोग के आसपास घायल हुए हैं और 8 लोगों की मौत तकरीबन हुई है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो ये हादसा हुआ, इसके बाद जिला प्रशासन जो स्थानीय जिला प्रशासन है उसने मदद की, यहाँ पर कोशिश की और सभी को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, और जो मृत शरीर है उनको पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया है। तो ये एक इस तरह की मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसके ऊपर जनतंत्र टीवी की नजरें बनी हुई है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है शरद। अब मैं रुक करूंगे बिहार का, रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हमारे साथ बने हैं। श्रीकांत, क्या खबरें हैं बड़ी बिहार की और किस खबर पर नजर रहेगी आज पूरे दिन? देखिए, बुधवार को 65 नए मामले सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के, और इसके साथ ही बिहार में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 944 हो गई है। तो बिहार में संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ये खतरा बढ़ा है प्रवासी मजदूरों की वापसी के साथ। तो सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, नई नई रणनीति का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन संक्रमण रुक नहीं रहा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कम से कम 10,000 कोरोना सैंपल की जांच रोज करने का आदेश दिया है, और ये बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के लगता है कि उसके बूते की बात नहीं लग रही है, क्योंकि आज की तारीख में 900 से ज़्यादा सैंपल की जांच नहीं हो पा रही है, और वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10,000 सैंपल की जांच का आदेश दे दिया है, तो कैसे स्वास्थ्य महकमा इसको पूरा करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा ये है कि एक आईएएस अधिकारी भी संक्रमित पाए गए हैं। आपको लगातार खबर हम दे रहे हैं कि बिहार में पुलिस के जवान संक्रमित हो गए हैं, बीएमपी के जवान संक्रमित हो गए हैं, और बीएमपी के जवान जब संक्रमित हुए तो पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा आदेश दे दिया है कि अब जो बीएमपी 14 के जो जवान हैं कहीं भी ड्यूटी पर नहीं लगाए जाएंगे बाहर। तो बीएमपी के जवानों को बाहर ड्यूटी पर लगाने से पुलिस मुख्यालय ने मना कर दिया है, और इसके साथ ही एक आईएएस अधिकारी हैं जो नवादा के हिलसा अनुमंडल के पदाधिकारी हैं, उनके भी संक्रमित होने की खबर आई है, और उसके बाद से नवादा जिले में हड़कंप मचा हुआ है।
कौन इस आईएएस अधिकारी के संपर्क में आया, कौन संक्रमित हुआ, इसका पता लगाने में पुलिस जुट गई है। और 22 मई से शताब्दी और कई ट्रेन मेल एक्सप्रेसों की शुरुआत हो रही है। आपको पता है कि लॉकडाउन की मियाद पूरी हो रही है 17 तारीख को, 18 से लॉकडाउन 04 शुरू होगा। और ये लॉकडाउन थोड़ा अलग होगा क्योंकि लॉकडाउन 3 के दौरान ही कई छूटें दे दी गई हैं। पटना में अब रेस्टोरेंट खुलेंगे, पहले ही पटना में ऑटोमोबाइल्स के शोरूम खुल चुके हैं, गैराज खुल चुके हैं, दुकानें खुल चुकी हैं और अब रेस्टोरेंट खोलने का आदेश दिया गया है। हालांकि रेस्टोरेंट खोलेगा लेकिन वहां पर बैठाकर ग्राहकों को खाना नहीं खिलाया जा सकेगा, उनको डोर टू डोर डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो ढेर सारी छूटें दी जा रही हैं और कोशिश किया जा रहा है कि जो लॉकडाउन है उससे बाहर निकला जाए, लेकिन ये आसान काम नहीं होगा क्योंकि संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ गया है। और पीएम मोदी के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उन्होंने मांग की थी कि लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाए। अगर केंद्र सरकार नहीं भी बढ़ाती तो भी बिहार बढ़ाता, लेकिन केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 जारी रखने का निर्णय ले लिया है। आपको पता ही है बहुत जल्द ऐलान भी होगा। और जो पैकेज आया है उसको लेकर भी बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने हमला बोला है बीजेपी जेडीयू पर कि आपकी सरकार है, आप कोई विशेष पैकेज नहीं ले पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री देश के लिए जो विशेष पैकेज का ऐलान कर रहे हैं उसमें गरीबों मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। तो राजनीति तेज हो गई है और अब विश्व हिंदू परिषद ने भी पत्र लिखा है बिहार सरकार को और कहा है कि हिंदुओं पर जो जिहादी हमले हो रहे हैं उसको अगर तुरंत नहीं रोका गया तो हिंदू विश्व हिंदू परिषद बहुत कड़ा फैसला ले सकता है। विश्व हिंदू परिषद ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बांग्लादेशी जो रोहिंग्याई घुसपैठियाँ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मांग की है। और उनका कहना है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है बांग्लादेशी घुसपैठी है, लेकिन कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। और राज्यपाल को पत्र लिख करके बीएचपी ने बिहार के गृह सचिव की बर्खास्तगी की मांग तक कर दी है। तो बिहार में राजनीति लगातार गरमाई हुई है। और पटना हाई कोर्ट ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पटना हाई कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई हो रही है और पहली बार एक दिन में 400 मामलों का निष्पादन पटना हाई कोर्ट ने किया है। ये देश का पहला कोर्ट बन गया है जिसने एक दिन में 400 मामलों का निष्पादन किया है। ये सभी मामले जमानत से रिलेटेड थे। पहले ये रिकॉर्ड बनाने का जो श्रेय था वो गुजरात हाई कोर्ट के पास था जिसने एक दिन में 147 मामलों की सुनवाई की थी, उसे तोड़ दिया है पटना हाई कोर्ट ने 400 मामलों की एक दिन में सुनवाई करके। कोरोना योद्धा जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं उनके लिए भी मांग हो रही है कि उनका 50 लाख का बीमा कराया जाए क्योंकि यही डोर टू डोर स्क्रीनिंग कर रही हैं, ये कोरोना योद्धा हैं, उनको संक्रमण का बहुत खतरा ज़्यादा है। तो समाज कल्याण विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा है और आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए 50 लाख रुपये बीमा का कराने की मांग की है। तो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको हामी भर देंगे, हरी झंडी दे देंगे और अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को 50 लाख का मिल सकता है बीमा का लाभ। और कांग्रेस एमएलए मुन्ना तिवारी हैं बक्सर के, उनकी गाड़ी से 4 बोतल शराब बरामद हुई है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुन्ना तिवारी का कहना है कि उनकी गाड़ी से कोई राहत सामग्री बांटने गया था, उनकी गाड़ी में कैसे शराब की बोतल आई पता नहीं। तो बिहार में प्रतिबंध है शराब की बिक्री पर, उसके सेवन पर, लेकिन विधायक की गाड़ी से ही 4 बोतल विदेशी शराब की बोतल बरामद हुई है। तो इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। जी बिल्कुल, कई सारे सवाल, तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इन सब के बीच लगातार हर राज्य की हम बात करें तो लॉकडाउन 4 को लेकर क्या तैयारी है, सबसे बड़ा ये सवाल है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पंकज, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 4 को लेकर क्या बातें सामने आ रही है और एक नए रूप और नए रंग की बात कही है प्रधानमंत्री ने, तो उत्तर प्रदेश कितना तैयार है लॉकडाउन 4.0 के लिए? देखिए, जो लॉकडाउन 4 का गाइडलाइन आनी है उसको लेकर के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद निर्णय लेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश सभी जोनों में जो है औद्योगिक इकाइयां शुरू हो चुकी हैं अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर ये है जो उत्तर प्रदेश को राहत देती नज़र नहीं आ रही है। अभी तक उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट थे वो पूरे संक्रमित डिस्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन अब 75 जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं सभी में कोरोना पॉजिटिव के संक्रमित केस आ गए हैं, यानी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के केस आए हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत सरकार को ये हो रही कि बड़े पैमाने पे जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं अपने घरों को सरकार लेकर के आ रही है, कुछ ट्रक DCM या अन्य साधनों से भी पहुँच रहे हैं, उनकी सही से जाँच नहीं हो पा रही, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उनको सीधे होम क्वारंटाइन भेजा जा रहा है। नतीजा ये है
जो डिस्ट्रिक्ट अभी तक कोरोना संक्रमित से अछूते थे वहां भी कोरोना पॉजिटिव के केस आ रहे हैं, चाहे गोंडा हो, बलिया हो, अंबेडकर नगर हो, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पे कोरोना पॉजिटिव के केस नहीं थे, या ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां कोरोना संक्रमित मुक्त डिस्ट्रिक्ट घोषित हो चुका हो, बाराबंकी हो या सीतापुर हो, यानी जो मजदूर लगातार मुंबई, दिल्ली, सूरत से आ रहे हैं, उन स्थानों से आ रहे हैं जहाँ कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट क्षेत्र है, चाहे मुंबई हो या फिर दिल्ली हो या सूरत हो। तो अलग अलग राज्यों से जो मजदूर आ रहे हैं उनमें अधिकतर कोरोना संक्रमित का मामला सामने आ रहा है। अभी तक जमातियों की बात होती थी, अब जो श्रमिक अपने घर आ रहे हैं उसको लेकर के लगातार जो केस बढ़ रहे हैं, सरकार की चिंता बढ़ गई है। कल मुख्यमंत्री ने भी बैठक में इस बात की पुष्टि अपने मंत्रियों के साथ की कि 10 दिन आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के लिए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से श्रमिक आ रहे हैं और कोरोना संक्रमित के मामले भी सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को, जो नोडल अधिकारी भेजे गए थे मंडल में, उनको कल फिर से कहा है कि आपको अग्रिम आदेशों तक कल पूरा हो रहा था, उनको फिर से मुख्यालय आना था। उन आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारियों को कहा गया है कि फिर से आप उसी मंडल में और जिले में रहेंगे। दूसरी तरफ 5 सदस्यीय टीम आईएएस और आईपीएस के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम जो आगरा भेजी गई है अभी वहां पे ही लगातार बनी हुई है, और आगरा मेडिकल कॉलेज के सीएमओ सीएमएस सहित कई लोगों को हटाया भी गया है। वहां की जो रिपोर्ट उन कमेटी ने दी कि बेहतर जो चिकित्सीय व्यवस्था है वो नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को पटरी पर लाने के लिए एमएसएमई सेक्टर में आज सबसे पहला ऐसा राज्य होगा जो उन क्षेत्रों में जो व्यवसायी करना चाहते हैं जो अभी तक हैं उनको बड़े पैमाने पे सरकार ऋण देने का जो कल प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है उसके तहत आज उसको लेकर के बैठक होगी, उसके बाद उनको ऋण देने पर सरकार निर्णय लेगी। फिलहाल थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री बैठक करने जा रहे हैं टीम 11 के साथ, वर्तमान हालात और कैसे फिर से जो अर्थव्यवस्था है जो पटरी पे हो गई है उसको पटरी पे लाया जाए, इन सब चीज़ों के साथ साथ किचन कम्युनिटी के साथ साथ अब तक जो केस आए हैं क्या प्रोसेस है, खास करके लखनऊ में भी कल 18 कोरोना पॉजिटिव के केस कैसरबाग इलाके में आए हैं, और वो केस हैं जो एक सब्जी जो ठेले में सब्जी बेचता था उसकी वजह से ये 40 लोग संक्रमित हुए हैं। वो पहले संक्रमित हुआ उसके बाद सैंपल लिए गए, तो ऐसे 40 लोग उस एरिया में निकले जो सरकार के लिए चिंता का सबब और लखनऊ प्रशासन के लिए बना हुआ है। फिलहाल एहतियात के तौर पर सभी जिलाधिकारियों को फिर से सख्त हिदायत दी है कि जो भी मजदूर जा रहे हैं उनकी पहले जाँच की जाए, फिर घर भेजा जाए, उनके खाने और रहने की व्यवस्था की जाए। लेकिन कई जगह समस्याएँ आ रही हैं जहाँ क्वारंटीन सेंटर नहीं है, गाँव के बगीचे में या स्कूलों में टिकाया जा रहा है जिससे उनको दिक्कत हो रही, वहीं पे क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है। कई जगह विरोध की खबरें आ रही, लखनऊ में भी इस तरीके की बात सामने आई है, लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया। जब स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम पहुंची तब जाकर के जब उनको थर्मल स्क्रीनिंग की है तब गाँव के लोग माने। दूसरी तरफ जो जहाँ से लखनऊ में आए एक विराजखंड होटल में रुके हुए हैं, स्थानीय लोगों ने वहाँ भी कल जमकर विरोध किया, चूंकि वो लोग होटल से बाहर आकर के घूम रहे थे और जमकर हंगामा हुआ। उसके बाद होटल को पूरी तरीके से ताला लगा करके वहां पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। तो इसको देखते हुए जितने भी जो शाहजहां से जहां जिन जिन होटलों में लखनऊ में ठहरे हुए थे उन सब की अतिरिक्त सतर्कता बढ़ा दी गई कि कोई भी बाहर न निकले। लेकिन वर्तमान उत्तर प्रदेश में अगर बात करें टोटल केस की तो ये आंकड़े बढ़ करके 3800 हो गए हैं। इसको देखते हुए सरकार के लिए चिंता का सबब लगातार बनती जा रही है। हालांकि सरकार का दावा ये भी है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो केस रिकवर होने का रिकॉर्ड है वो यूपी में है, और जो इससे मरने का जो आंकड़ा है वो भी उत्तर प्रदेश में बहुत कम है और लगातार इसमें सुधार हो रहा है। बिल्कुल पंकज, और लगातार सरकार की तरफ से हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है कि अगर कहीं भी स्थिति डामाडोल होती है तो वहां के जितने भी प्रॉब्लम्स है वहां की परेशानी को दूर किया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के सीधे उस पार हम रुक करेंगे राजस्थान का, जहां से हमारे संवाददाता अरविंद पलावत हमारे साथ बने हुए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तमाम रिपोर्टर्स अपने अपने राज्य से बने हुए हैं और क्या बड़ी खबरें हैं आज उसको लेकर बड़ा अपडेट भी दे रहे हैं और आप तक जानकारी साझा भी कर रहे हैं। अब सीधे चलेंगे राजस्थान की ओर, अरविंद पलावत हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हैं। अरविंद, क्या बड़ी खबरें हैं आज राजस्थान की, लॉकडाउन 4 को लेकर क्या लगता है, राजस्थान कितनी प्रिपेयर नजर आ रही है इस वक्त?
जी बिल्कुल, देखिए बड़ी खबरों की बात करें तो सबसे पहले जो कोरोना को लेकर अपडेट है, कल राजस्थान में 202 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स एक दिन में सामने आए और अब तक का जो रिकॉर्ड था 175 पेशेंट्स एक दिन में आने का, वो रिकॉर्ड भी कल यहां पर टूट गया। और इसके साथ ही जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या बढ़कर के यहां पर 4328 हो चुकी है। साथ ही जो एक्टिव पेशेंट्स हैं वो करीब 1700 यहां पर हो चुके हैं। और अभी अभी एक बड़ी खबर यहां पर आई है कि 2 महीने का एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव था और उसकी आज सुबह यहां पर डेथ हुई है SMS हॉस्पिटल में। मूल रूप से आगरा यूपी का ये रहने वाला बच्चा था और यहाँ पर इसकी फैमिली अपने परिवार के साथ यहाँ पर था और 2 महीने पहले ये जन्मा था और उसके बाद में इसमें एक हार्ट डिजीज भी यहाँ पर देखी जा रही थी। और 13 तारीख को SMS हॉस्पिटल में इसे एडमिट कराया गया जहां पर इसकी जो सैंपल लिया गया कोरोना का, तो वो यहां पॉजिटिव पाया गया और आज सुबह इसकी जो डेथ है वो हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी कोरोना का प्रभाव यहां पर प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले 10 दिन का एक बच्चा जो है वो भी यहां पर पॉजिटिव पाया गया, 18 दिन की एक बच्ची भी यहां पर पॉजिटिव पाई गई राजस्थान में। साथ ही कई गर्भवती महिलाएं और प्रसूताएं वो भी यहां पर राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव पाई जा चुकी है। तो ऐसी स्थिति में एक अजीब स्थिति यहां पर, एक प्रकोप वाली जो स्थिति है कोरोना की वो। तो राजस्थान के हालात इस वक्त डामाडोल हैं और अरविंद आप जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि लगातार अभी भी केसेस सामने आ रहे हैं, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन लगातार पंकज हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। पंकज, जिस तरीके से अभी मुजफ्फरपुर की हम बात करें तो वहां हमने जिस तरीके से देखा कि तमाम मजदूरों की मौत हुई है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्या अभी तक सरकार की तरफ से कुछ कहना सामने आया है? देखिए, जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने संसाधनों से या फिर किराए से टरक DCM से अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। सरकार ने जरूर इसके लिए व्यवस्था की है, लेकिन उतनी पर्याप्त व्यवस्था उन मजदूरों का सब लगातार टूटता जा रहा है। उसका कारण है कि वो जो ट्रक DCM या अन्य साधनों से अपने घर की तरफ चल रहे हैं, और ये पहला हादसा उत्तर प्रदेश में नहीं है, इससे पहले भी कानपुर और अब सामने आज की बात सामने आई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने सभी मृतक परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और हर संभव जिला प्रशासन से जो भी घायल हैं उनकी समुचित इलाज के लिए संबंधित जिला के जिलाधिकारी से बोला है। और साथ ही फिर से मुख्यमंत्री ने अपील की है कि जो मजदूर जहाँ हैं वहीं रुके, सरकार उनके लिए हर संभव व्यवस्था करेगी, चाहे वो परिवहन हो, रेल जो यातायात शुरू की गई है सरकार उसके द्वारा उनको लाएगी, और बार बार मुख्यमंत्री इस बात की अपील कर रहे हैं। लेकिन चूंकि श्रमिक काफी दिनों से बाहर हैं, उनका रोजगार छिन गया, खाने की दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में वो अन्य संसाधनों से अपने घर की तरफ चल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में लगातार अगर एक सप्ताह में बात करें तो 3 से 4 बड़ी ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जो अपने घरों की तरफ निकले हैं, लेकिन उस दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। इसको लेकर के सरकार बार बार अपील कर रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर में ये जो हादसा हुआ है उसके बस चालक को क्या अभी तक पकड़ा गया है, क्या जानकारी मिल रही है? पंकज, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? अब सीधे रुक करेंगे बिहार का। जिस तरीके से लगातार श्रीकांत में बातचीत कर रही थी मजदूरों को लेकर, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि मजदूरों को लेके जाने की व्यवस्था की जा रही है, तमाम ट्रेनें निकाली गई हैं, लेकिन इन सब के बीच अब भी कुछ ऐसे मजदूर हैं जो पैदल ही निकल पड़े हैं, उनके लिए क्या कुछ सरकार कर रही है, क्या सरकार के संज्ञान में ये बातें हैं कि मजदूर अभी भी पैदल ही निकल रहे हैं? क्योंकि मजदूरों का ये कहना है कि इन्फॉर्मेशन उन तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन निकाली गई है उनके लिए। जहां भी पैदल चलते हुए मजदूर सामने आए उनको तुरंत बसों से भेजा जाए जहां पर उनको ले जाना है, उनको क्वारंटाइन में रखा जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। और अब बाहर जो बिहारी फंसे हुए हैं उनको छूट दे दी गई है कि निजी वाहन किराए पर लेकर आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी राहत ये मिली है कि निजी वाहन किराए पर लेकर बाहर फंसे छात्र आ सकते हैं, पर्यटक आ सकते हैं, जो बिहारी हैं वो आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के बारे में तो हम चर्चा बहुत कर चुके हैं, झारखंड में भी संक्रमण का खतरा काफ़ी बढ़ता जा रहा है। झारखंड में कल 8 केसेज मिले हैं, नए 8 मामले सामने आए हैं और इसके साथ वहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 181 हो गई है। और हेमंत सरकार बहुत चिंतित है क्योंकि जब से प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हुआ है संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने मजदूरों के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है खैरियत।
इस वेबसाइट में मजदूरों के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी रहेगी, उनके हुनर का परीक्षण किया जाएगा और उनके हुनर के आधार पर उनको रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। और ठीक इसी तरह हम उत्तर प्रदेश में भी देख रहे थे श्रीकांत की किस तरीके से उन मजदूरों के लिए एक योजना तैयार की जा रही है जो बेरोजगार हो चुके हैं। मैं आगे भी आपसे अपडेट लूंगी, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ से प्रशांत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या बड़ी खबरें हैं छत्तीसगढ़ की, अजीत जोगी को लेकर क्या ताजा अपडेट आपके पास है? बिल्कुल अंशिका, अजीत जोगी की हम बात कर रहे हैं तो अजीत जोगी को ऑडियो थेरेपी के माध्यम से कल थोड़ा सा डॉक्टरों का ये कहना था कि हल्का मूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी हालात चिंताजनक बनी हुई है। दूसरे शरीर जो है उनके काम नहीं कर रहे हैं, वेंटिलेटर के माध्यम से ही उनको सांसें दी जा रही है, लेकिन अभी डॉक्टर कुछ कह पाने में भी नाकाम साबित हो रही, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दूसरा हम कोरोना की बात करें तो जो 6 मरीज थे वो घटकर अब 4 हो गए हैं। हालांकि दुर्ग से एक बुरी खबर जरूर आई थी जहां पर रैपिड टेस्ट में 5 जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अभी तक एम्स ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वहीं दूसरी ओर जो हम बात कर रहे हैं कि मजदूरों और किसानों को लेकर, तो लगता है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण काल कब खत्म होगा इस पर कोई स्पष्ट नहीं है, उसी तरह से मजदूरों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई कब खत्म होगी ये भी अभी तय नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज, बस्तर का इलाका है जो नक्सल प्रभावित इलाका भी बहुत है, वहां पे 117 नर्सिंग छात्राओं को हैदराबाद से लाया गया है जो कि क्वारंटीन में रखा जाएगा, लेकिन चिंता का ये भी विषय है कि जो अभी ग्रामीण इलाकों में कोरोना नहीं पहुंचा था, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से बाहर से मजदूरों या छात्र छात्राओं को लाया जा रहा है उससे कहीं इसका जो है और भयावह स्थिति खड़े हो। दूसरी बात यह है कि जो जिस तरह से आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, बड़े उद्योगों के लिए एक विशेष रूप से रणनीति बनाई गई थी, उसमें भी भूपेश सरकार अभी खुश नजर नहीं आ रही है, चिंता का विषय है। इसीलिए उन्होंने केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी उन्होंने एक पत्र लिखा है कि जो लौह अयस्क का जो रेट है उसको कम किया जाए, क्योंकि एनएमडीसी जो है दंतेवाड़ा का एक बड़ा इलाका है, लौह अयस्क को संचालन करती है, उससे स्टील उद्योग और यहां के जो दूसरे बड़े उद्योग हैं वो बुरी तरह से प्रभावित होंगे। इसके अलावा जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से एक नए तरह से प्रभावी कार्य योजना बनाई जा रही, खासकर 40 ऐसे उत्कृष्ट विद्यालयों को खोला जाएगा जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम पे होंगे। इसके अलावा जो राज्य में 10वीं और जो बोर्ड परीक्षाओं के छात्र हैं उनको प्रमोशन दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी भी हालात यहां पे, हालांकि कोरोना के मामले में उतना चिंताजनक नहीं है, लेकिन जिस तरह से बाहर से मजदूरों और छात्रों को लाया जा रहा है, तो आने वाले टाइम में अगर स्पष्ट रणनीति नहीं बनी तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के हालात भी बुरे हो सकते हैं। बिल्कुल प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबरें थी अलग अलग राज्यों की जो हमने आप तक पहुंचाई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।